हेलो मच्छा पार्टी, हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स का एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था। आज भी हम लोग सीखेंगे एडिशन बट विद अ डिफरेंट मेथड विच इज़ यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट मेथड भी बोल सकते हैं आप इसको स्पीड मैथ्स में। इसमें आप कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, जैसे वन का कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा नंबर जो उसको 10 बना दे, तो डेफिनेटली वन का कॉम्प्लीमेंट 9 और 9 का कॉम्प्लीमेंट 1। सिमिलरली 2+8 इज 10, 3+7 इज 10, 4+6 इज 10 एंड ऑब्वियसली 5+5 सिमेट्रिक हो गया इज 10। तो इसमें आप पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एक ज़ीरो एंडिंग नंबर को, तो देखते हैं कैसे। सपोज़ द क्वेश्चन इज एट 327 एंड 33। तो आपके पास जैसे यहाँ 7 है यूनिट प्लेस में, तो इसको आप नियरेस्ट ज़ीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो 7 का कॉम्प्लीमेंट है 3। अब ये 3 कहाँ से लाएंगे हम? इस नंबर से लाएंगे हम 3। सो व्हाट विल बी दिस आंसर? तो जैसे ही आप 3 इस नंबर से लाएंगे, दिस इज़ प्लस एंड ओवर हियर दिस इज़ माइनस। सो व्हाट इज़ दिस? 327 प्लस 3। आपको सिर्फ इसको देखना है, सिर्फ इसको देखना है। डॉट मेथड यूज़ करेंगे एडिशन के लिए एंड प्लस करेंगे आप। ये आपके पास एक ब्रैकेट बना, सेकेंड ब्रैकेट आया 33 माइनस 3। तो हमने चेंजेस कुछ भी नहीं किए, जैसा हम लाइफ में करते हैं प्लस माइनस का बैलेंसिंग लेकर चलते हैं। सो व्हाट इज़ द आंसर? 330 प्लस 30, सो द फाइनल आंसर इज़ 360। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। एट 1564 एंड 126। ओके, अब फिर से 4 का कॉम्प्लीमेंट 6 आपको डायरेक्टली मिल रहा है यहाँ पर, तो आप इस 6 को यहाँ प्लस कर देंगे। सो अब ओरल करने की कोशिश करेंगे, सो दिस बिकम्स 1570 प्लस 120। ठीक, अब फिर ओरल करेंगे, दिस इज़ 1500 प्लस 100 मीन्स दिस इज 1690। सो द आंसर इज 1690। बट इन सम केसेस, सपोज़ यू आर नॉट गेटिंग द नंबर्स मेकिंग कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 10, तब उस केसेस में आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3। सपोज दिस इज़ एट 529 एंड 64। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो यूनिट प्लेसेस हैं दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो फिर भी आप ज़ीरो एंडिंग नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से सिर्फ 1 इसमें प्लस करेंगे, सो दिस इज़ प्लस 1, और यहाँ से 1 माइनस करेंगे, तो इट इज़ 63 एंड दिस इज़ 530। अब आप ओरल ऐड कर सकते हैं, सो व्हाट इज़ 530 प्लस 63? दिस इज़ इक्वल टू 593। आई होप यू कैन डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी विल बी डूइंग सब्ट्रैक्शन बाय द सेकेंड सूत्र ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, जिसको बोला जाता है द्वितीय सूत्र। इसका नाम है निखिलम। ठीक है, तो देखते हैं। निखिलम सूत्र बेसिकली बोलता है निखिलम नवतः चरमम दशतः।
मतलब जो बिल्कुल लास्ट डिजिट है उसको आप 10 से माइनस करें एंड जो बाकी के डिजिट्स हैं उसको आप 9 से माइनस करें. दिस फॉर्मूला इज़ एप्लीकेबल वेयर एवर माइन्यूएंट, जो माइन्यूएंट है वो मल्टीपल ऑफ 100 हो. देखते हैं कैसे. माइन्यूएंट मीन्स आपको जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 इज सब्ट्रैक्ट 3987 फ्रॉम जो भी नंबर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज माइन्यूएंट. वो नंबर 100 का मल्टीपल होना चाहिए. ऑब्वियसली यहाँ पर हम ये जो 1000 प्लेसेस है इससे बड़ा लेंगे सो दैट नंबर विल बी 10,000. तो कैसे करेंगे. सबसे पहले लिखा आपने माइन्यूएंट को, माइनस वर्टिकल कॉलम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. सो जो छोटे बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो वो ध्यान से देखेंगे कि आप यूनिट प्लेस से लिखना शुरू करें, और बड़े बच्चों को प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि हाउ टू अरेंज वर्टिकली. दिस इज़ वन ऑफ द प्रिकॉशन इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज़ निखिलम सूत्र, मतलब सब्ट्रैक्ट द लास्ट फ्रॉम 10. अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, बोरो और लास्ट में इतना बोर हो जाते हैं कि एक आध डिजिट की गलती के कारण आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, स्पेशली छोटे बच्चे. ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट फ्रॉम 10 एंड द रिमेनिंग फ्रॉम 9. तो 10 माइनस 7 इज़ 3. अब बाकी के जो डिजिट्स बचेंगे उनको आप 9 में से माइनस करेंगे. सो 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 3 6. दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. फाइंड, अब इसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ. दिस इज द क्वेश्चन. माइनस 7, 3, 4, 8, 5, 6, 2. ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है. अब इसको बड़ी हेक्टिक हो जाएगी मेथड इफ़ यू आर गोइंग विद द नॉर्मल योर स्कूल मेथड. तो इसमें फिर से आप ऐसे ऐसे करते रह जाते और हो सकता है लास्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत. तो कैसे करना है. अगेन अप्लाई कि जो बिल्कुल लास्ट वाली डिजिट है उसको आप 10 में से माइनस करें और जो बाकी के सारे डिजिट्स हैं उनको 9 से माइनस करें. सो ट्राई 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2. तो दिस इज़ द आंसर बाय वेरी वेरी टाइम सेविंग टेक्निक्स. So I hope you have enjoyed the video. So in next video we will be doing multiplication. I have not covered multiplication in this video because after observing first video many students were asking this method ki ma'am what is this method. So I have to make this video also. So in next video we will be observing multiplication by Vedic mathematics, which will be quite interesting video. So till then, thank you and bye bye.